हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स चैनल्स पे आपका मोस्ट वेलकम। एंड एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो गई, आपको अब किसी क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाउट लगे कमेंट में कमेंट करें और आपका उसका सॉल्यूशन गारंटी मिलेगा। क्लियर? सो सबसे पहले हम लोग ने दो मतलब फोर क्वेश्चंस कर दिए हैं दो पार्ट्स के अंदर। ये पार्ट थ्री है, क्लियर, एक्सरसाइज 9.1 का, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज चैप्टर नाइन स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड है। सो प्लीज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंटेंट जो है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए एक छोटी सी रिवीजन एक्सरसाइज। क्लियर? सो अब फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस सेशन का, इस टॉपिक का, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्लियर, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई एक काइट है, पतंग उड़ाई है ना भाई, पतंग अभी तो गई, पतंग उत्तरायण के टाइम पे तो भाई गुजरात के अंदर तो रंग लग जाती है, हम लोग का तो पूरा आसमान ही पतंगों से भरा हुआ रहता है। क्लियर? सो एक पतंग है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक देखो, ये बचपन में हम लोग भी करते थे भाई, पतंग उड़ती रहती है, अगर अच्छी पतंग है, स्थिर पतंग है, तो उसको हम लोग दोरी एक पॉइंट से बांधे, तो उन्होंने एक ग्राउंड के साथ एक पॉइंट को टाई कर दिया है। क्लियर? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब जो ग्राउंड पॉइंट के साथ टच किया हुआ है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। भाई वैसे मेजर हम लोग तो कभी मेजर करते नहीं भाई पतंग के, लेकिन इन्होंने मेजर कर लिया भाई। क्लियर? मेजर किया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमको क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ये सोचा गया है कि उसके अंदर कोई भी हल या कुछ भी नहीं है, एकदम स्ट्रेट तो ये कोई गांठ कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग पतंग उड़ा ले, यो हो मेरी पतंग उड़ गई भाई। क्लियर? सो दिस इज द काइट। इन्होंने बोला कि ये स्ट्रिंग टाइट जो की हुई है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और वो पॉइंट जो है हाइट के हिसाब से, मतलब जो काइट है वो 60 मीटर हाइट्स के ऊपर फ्लो कर रही। क्लियर? फ्लाई कर रही। क्लियर? सो हम लोग फिगर इस तरह से बनेगा भाई, ए बी जो है स्ट्रिंग की लेंथ ले लेते हैं हम लोग, जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ए सी जो हाइट ऑफ काइट ले लेते हैं, दैट इज 60 मीटर, और जो हमें फाइंड करना है यानी स्ट्रिंग की लेंथ ए बी, दैट इज एक्स। क्लियर है? कोई डाउट है? अब हम लोग गिवन डेटा लिख लें ताकि हमारा भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिगर्स तो क्लियर है, गिवन डेटा है कि एंगल फिगर बी जो है, फिगर के अंदर एंगल बी जो है 60 डिग्री, ए सी यानी हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर। ओके, नाउ टू फाइंड क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ रोप या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी, दैट इज एक्स। अब हमका सॉल्यूशन, दैट इज ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 60। देखो हमारे पास ऑपोजिट है, हाइपोटेनस फाइंड करना है तो साइन की वैल्यू यूज करेंगे। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो साइन 60 इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। क्लियर हो गया? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। नहीं देखा है, नहीं पता चल रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में चले जाएं, वहां पे मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझाया हुआ है, हर एक चीज को समझाया हुआ है, सो आप उसको देख सकते हैं, वैल्यूज क्या होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? देन साइन 60 की वैल्यू क्या होती, 1/√3। तो 1/√3 इक्वल्स टू 60/x, क्योंकि ए सी जो है 60 है और ए बी हमने x लिया हुआ है। क्लियर? सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इक्वल्स टू 120/√3। अब जैसे कि आपको पता है बेचारा रूट थ्री मजदार में है, नीचे डिनोमिनेटर में है, तो रूट हम वो छत्र छाया के नीचे नहीं रह सकता अकेला, सो उसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, दैट इज रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। सो 120 40 root 3। भाई पतंग 40 root 3 meters पे, हम लोग जब पतंग चकाते तो कभी मेजर करते कितनी दूरी पे चक रही है भाई, छोड़ो डील दो भाई, डील दो। क्लियर? सो ये क्वेश्चन था काइट से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्लियर? एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है
जिससे 1.5 मीटर डिस्टेंस मीटर टॉल बॉय वहां से 30 मीटर बिल्डिंग से दूर खड़ा है, कुछ डिस्टेंस पे पता नहीं कितना. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. मतलब अब देखो याद रखना, इंक्रीजेस मतलब बढ़ जाता है जब वो बच्चा उसकी जगह से मतलब जहां पे खड़ा है वहां से थोड़ा सा और आगे आता है. तो पहले जो खड़ा था वहां पे 30 डिग्री था, थोड़ा और आगे गया तो 60 डिग्री हो गया. मैं अभी फिगर बताऊंगा तो उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको इमेजिन करना है ये सब चीजें तो ही आप फिगर बना पाओगे, क्योंकि यहां पे तो मैं बता दूंगा लेकिन एग्जाम्स के अंदर कौन बताएगा भाई, नहीं बता पाएंगे. सो प्लीज इमेजिन करो कि भाई हाँ वो एक बिल्डिंग की टॉप को देख रहा था, थोड़ा सा आगे गया तो उसका एंगल चेंज हुआ. सो फिगर कैसा बनेगा, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. मतलब वो कितने कदम चला है या वो कितना चला है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. सो सबसे पहले फिगर की तरफ बढ़ेंगे. भाई एक बंदा है यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है इस तरह से, और वो चलते जा रहा है, तो चलते चलते वो थोड़ा सा आगे पहुंचता है, तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, वो बताना है. क्लियर? सो फिगर कुछ ऐसा होगा, 1.5 मीटर टॉल बॉय, वो यहां से देखता है तब 30 डिग्री है, थोड़ा सा आगे जाता है मींस एफ पॉइंट पे पहुंचता है तो 60 डिग्री है. क्लियर? और यहां पे उसकी 1.5, देखो अब हम लोग क्लियरली कह दें बिल्डिंग की हाइट दी हुई 30 मीटर, क्लियर है, लेकिन उसमें से अगर बंदे की हाइट दैट इज बॉय जो है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, सो 30 माइनस 1.5 मींस 28.5 मीटर हो जाता है बी ए पॉइंट. क्लियर? अब हमको जो फाइंड करना है, हम लोग हमेशा x लेते हैं, हमको फाइंड करना है कि वो बंदा कितने कदम चला, दैट इज एफ ई. सो एफ ई इज x. अब हमारे क्वेश्चन के अंदर बी एफ का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको मैंने डिनोट कर दिया y से. क्लियर? जो चीज हमको फाइंड करनी है मोस्टली हम उसको y से डिनोट कर देते हैं. क्लियर? सो हर एक चीज फिगर क्लियर हो गया, पॉइंट ए बी सी डी ई और ये एफ पॉइंट है. दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ए बी ई और ए बी एफ. इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज करके हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख ले. गिवन डेटा क्या होगा, इन फिगर एंगल ई इक्वल्स टू 60 डिग्री दिख रहा है. क्लियर? और एंगल एफ जो है 30 डिग्री. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया राइटिंग में, बाकी एंगल ई जो है 30 डिग्री है, एंगल एफ 60 डिग्री. हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज बी सी, हाइट ऑफ बॉय दैट इज बी सी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू 1.5 मीटर, और एसी जो है बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 30 मीटर. क्लियर? ये दिख रहा है. ओके, नाउ फाइंड क्या करना है, ई एफ जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, तो ई एफ इक्वल्स टू एक्स. तो फर्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेते हैं. एक चीज मैंने मेंशन कर दी, बी एफ इक्वल्स टू वाई, जो मैंने आपको बताया. क्लियर? तो इन ट्राइंगल ए बी एफ, अभी हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं जिसके अंदर एंगल एफ जो है 60 डिग्री है. तो अब हमारे पास ये है ओपोजिट, हमको क्या चाहिए, एडजेसेंट चाहिए. सो कौन सा लगेगा, टेन सिक्सटी. टेन सिक्सटी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स बी एफ. टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, नहीं रूट थ्री. यस, सो रूट थ्री इक्वल्स टू 28.5 अपॉन वाई, वे 1060 इक्वल्स टू रूट थ्री. देखो हर एक चीज मैंने मेंशन किया हुआ है, आप भी मेंशन करें ताकि वो इफेक्टिव लगता है कि हाँ बंदे को पता है उसने कहीं से लिखा नहीं है. क्लियर? नहीं तो बोलेंगे कॉपी केस लग जाएगा. प्लीज आराम से अच्छे से देखिएगा. क्लियर? सो y इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन वन. देखो मैंने यहाँ पे अब इसको रेशनलाइज नहीं किया है, इक्वेशन वन डायरेक्टली मेंशन कर दिया है. क्यों? क्योंकि हमको y नहीं फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको x फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो इसलिए आप y को आप रेशनलाइजेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज छोड़ सकते हैं. क्लियर? सो अब नेक्स्ट ट्राइंगल, अभी हमने ए बी एफ ट्राइंगल देखा, अब ए बी ई ट्राइंगल. क्लियर? ए बी ट्राइंगल के अंदर एंगल ई दैट इज 60 डिग्री, 1030 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट थ्री. सो 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू 28.5 अपॉन वाई प्लस एक्स. देखो यहाँ पे बी ई जो है दोनों का एडिशन है वाई प्लस एक्स, सो यहाँ पे भी वाई प्लस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वाई इक्वल्स टू ये वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 28.5 रूट थ्री हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू 28.5 रूट थ्री माइनस एक्स. क्लियर? ये दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हो गए. देखो यहाँ पे भी वाई की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी वाई की वैल्यू है, सो हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं. सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, 28.5 अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू
28.5 रूट 3 माइनस 1, दोनों इक्वेशन की जो वैल्यूज थी वही ली गई है, सो डोंट वरी, खाली जस्ट y को नेग्लेक्ट करके वो वैल्यूज लिख देनी है। अब रूट 3 जो है ये नीचे डिनोमिनेटर वाला, वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो 28 मीन्स x को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, x को मैं इस तरफ लेके आ गया, सो 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट अपॉन रूट 3, एक्स इस तरफ आ गया है और ये वाला है 28.53, स्वीप हो गया तो दोनों की साइन चेंज हो गई, क्लियर। सो 28.5 कॉमन निकाल दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, सो एक्स इक्वल्स टू 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है मैंने, तो रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, सो 57 अपॉन रूट 3, 28.5 यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 2 इंटू 28.5 क्या बचा 57 अपॉन रूट 3। देखो अब x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो भाई रूट 3 को अकेला ना छोड़े, उसको नीचे अकेला डर लग रहा है, सो प्लीज उसको रेशनलाइज कर दें, सो 57 दैट इज इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 करेंगे, यानी 19 रूट 3 अपॉन 3। देखो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में तो 3 हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में रूट 3 आएगा तो ये रूट 3, और 57 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 19, सो x की वैल्यू हमको मिल गई 19 रूट 3। सो लास्ट स्टेटमेंट ना भूलें, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बॉय इज 19 रूट 3 मीटर, याद रखें मुझे यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू नहीं दी गई है, सो मैं आई एम नॉट प्लेसिंग दैट वैल्यू इन द इक्वेशन, क्लियर, बट अगर आपको दी हुई है तो आपको मेंशन जरूर करना है, क्लियर, थैंक यू। तो आपके लिए एक छोटी सी रिविजन एक्सरसाइज है, सेम क्वेश्चन सेम थिंग बट जस्ट वैल्यू डिफरेंट होगी। A kite is flying at a height of 40 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string on the ground is 45 degrees. Find the length of this string assuming that there is no slack in the string. Same question, khali values change. A 2 meter tall boy is standing in some distance from 20 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degrees to 45 degrees. As he walks towards the building, Find the distance he traveled towards the building. Clear? ये दोनों questions आप कोशिश करें solve करने की, so आप solve कर सके। और thank you for watching. अगर आपको ये video पसंद आया है, किसी को लगता है किसी और students के काम आ सकते हैं, तो please ये share ज़रूर करें, और आप ज़रूर मुझे follow करें ताकि मेरे channel को follow करें Digital Maths को, ताकि हमेशा आपको इसी तरह से update मिलते रहे, नई नई exercise के questions solve होते रहें, और आपके डाउट्स भी लाइफ सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज अगर आप कमेंट करेंगे आपका कोई डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।